भरूच जिला का नर्मदा मैया ब्रिज आज से भारदारी वाहनों के लिए प्रतिबंध लादा गया है, लेकिन आज पहले दिन मानो यहां पर यह जाहिरनामा का सरेआम भंग नजर आया था। भरूच जिला का नर्मदा मैया ब्रिज आज से भारदारी वाहनों के लिए प्रवेश बंदी लादा गया है। भारदारी वाहनों के कारण यहां पर अक्सर गंभीर और जानलेवा हादसे होने की बढ़ रही संभावना और हादसों के कारण ये फैसला लिया गया। नर्मदा मैया ब्रिज पर भारदारी वाहनों के प्रतिबंध के जाहिरनामा के पहले दिन यहां पर इसका सरेआम उल्लंघन किया गया था। भरूच नर्मदा नदी पर गोल्डन ब्रिज को समांतरित वैसा नर्मदा मैया ब्रिज पिछले साल ही लोकार्पण किया गया। ब्रिज कार्य को एक वर्ष पूर्ण होने के बीच यहां पर 450 करोड़ से भी अधिक के खर्च से बनाए गए वैसे ब्रिज पर भारदारी वाहनों के कारण यहां पर मानो हादसों की लंबी कतारें बनी थी। नर्मदा मैया ब्रिज पर बार बार घटित हो रहे वैसे हादसों के चलते विधायक दुष्यंत पटेल द्वारा राज्य के मार्ग और मकान विभाग के कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी को रजूआत की गई थी, जिसके फलस्वरूप आखिरकार नर्मदा मैया ब्रिज पर भारदारी वाहनों के लिए प्रवेश बंदी ला दी गई, जिसके जिला वहीवटी तंत्र द्वारा एक जाहिरनामा भी प्रसिद्ध करते हुए आज से नर्मदा मैया ब्रिज पर भारदारी वाहनों का प्रतिबंध लादा गया है वैसा भी प्रसिद्धि लगाई गई थी। बावजूद यहां पर आज पहले दिन इसका सरेआम उल्लंघन देखने को मिला था, जहां अब तंत्र द्वारा इस संदर्भ में कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है या नहीं, या तो फिर भारदारी वाहनों की नर्मदा मैया ब्रिज पर आवाजाही यथावत रहेगी, वो भी आने वाला वक्त ही बताएगा।